क्या बोलते हैं वो राजकुमार आखिर कौन है जो सफेद घोड़े पे चढ़ के आने वाले हैं? मेरे जो सपनों का राजकुमार है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत क्यूट भी है, बहुत स्मार्ट भी है। तो जैसा मुझे चाहिए था वो सब उसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको जो पार्टनर मिलता है कई बार लुक में अच्छा नहीं होता है, दिल का अच्छा होता है, और दिल का अच्छा होता है तो लुक में अच्छा नहीं होता है। बट उनमें सारी चीज़ें हैं, लुक वाइज भी अच्छे हैं, दिल से भी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं वो दूसरे शिखा हैं। तो बिल्कुल वो उनका नेचर सेम मेरी तरह है। तो ये बात तो सही है कि मेरे सपनों के राजकुमार हैं जो अब रियल में मेरे राजकुमार बनने वाले हैं। स्कूल और कॉलेज टाइम होता है, लोगों के दिमाग में, हर लड़कियों के दिमाग में एक होता है कि मैं जिससे शादी करूँ ऐसा होना चाहिए। कुछ एक माइंड में आपने एक इमेज बनाओ, क्या उस इमेज के हिसाब से शादी मैंने बचपन से लेके आज तक इमेज मैंने अक्षय कुमार की बनाई हुई थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो अक्षय कुमार के जैसा हो। और सबसे बड़ी बात, मुझे अक्षय कुमार की हाइट बहुत पसंद थी और मैं अक्षय कुमार को बहुत 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 प्यार करती हूँ। मीन्स अगर मैं अपने हस्बैंड के रूप में भी देखती थी कभी आँख बंद करके तो मुझे अक्षय ही दिखते थे। तो पता नहीं कैसे, मैं नहीं जानती, जबकि ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, और उनकी हाइट सेम अक्षय कुमार की जैसी है, पर्सनैलिटी सेम अक्षय कुमार की जैसी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट कम से कम कुछ चीज़ें तो अक्षय जैसी मिली हैं उनके अंदर। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। शादी कहाँ पे हो, कौन सी जगह हुई जिस जगह पे सीखा जी एक शादी के बंधन में बंध गई? मेरा होम टाउन ऋषिकेश है, उत्तराखंड। तो मेरे होम टाउन से ही मेरी मैरिज हो रही है, ऋषिकेश से, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है और लोगों का सपना होता है। कभी पवन सिंह के साथ, कभी किसी के साथ, एक बार आपकी रियल शादी हो रही है तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये बात तो सही है। वैसे भी रियल शादी तो हमारे मानने में तो एक बार होती है, लेकिन आजकल तो लोग दो दो तीन तीन बार भी कर लेते हैं। बट मेरे लिए शादी बहुत मायने रखती है और मेरे घर वालों के लिए भी, क्योंकि आई थिंक मुझे भी लगता है कि आपके आपकी लाइफ में आपका प्यार भी एक ही बार आता है और शादी भी एक ही बार होती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी मैरिज को लेके, क्योंकि मैं फिल्मों में तो बहुत बार दुल्हन बनी हूँ, बहुत बार। यानी कि पता नहीं ये कैसा रहा है कि हर फिल्म में मुझे दुल्हन बना दिया जाता है, और मेरे जितने भी फैंस हैं जब वो मेरी फिल्में देखेंगे तो सब में मुझे दुल्हन के रूप में देखेंगे। और अब मैं रियल में दुल्हन बनने वाली हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं अपनी खुशी में कैमरे पर नहीं बता सकती हूँ, वो कैमरे से पीछे दिखता है फैमिली में कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जी ज़रूर, उनको मैंने सबसे पहले इन्विटेशन कार्ड दिया है, और जहाँ तक कि उन्होंने मुझे श्योर किया है कि मेरा थोड़ा सा उनका टाइम का है, तो सभी जानते हैं कि पवन जी फिल्मों में और शोज़ में बिज़ी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं भले वो थोड़ी देर का टाइम निकालेंगे लेकिन वो आएंगे मेरी मैरिज में कि वो